हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ये सभी फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म है ये इसका एक्सपेंशन क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब भी नीचे 100 या 10 का 10 100 या 10 का कोई भी मल्टीपल होता है तो बस हम जीरोस देखते हैं और ज़ीरो के अकॉर्डिंग हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 36/100 है तो, और नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, दैट मीन्स 0.36। और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन यहीं पे ख़त्म हो गया, यानी कि और डिवाइड नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो जो खत्म हो जाए, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं है ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1/11। तो 1/11 देखो यहाँ पे करती हूँ मैं। 1/11 का मतलब क्या है कि 11 से डिवाइड करना और 1 अंदर आएगा। ठीक है, तो 1 से तो हो नहीं सकता, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का मतलब जीरो। अब डेसिमल से एक जीरो लग चुका है। ठीक है, अब इसी डेसिमल से हम एक और जीरो नहीं लगा सकते, वो हम जब जैसे नीचे डिवाइड करते जाएंगे ना तब तो आप जीरो लगा सकते हो कि आपने पहले डेसिमल लगा दिया तो आप अब जीरो कितनी बार भी लगा लो, लेकिन एक साथ 2 जीरो नहीं लगा सकते आप। तो हम 10 से तो कर नहीं सकते, हमें एक और जीरो चाहिए, तो हमें एक और जीरो लगाना पड़ता है यहाँ पे 0.0। ठीक है, अब आएगा एक और जीरो। 100 हो गया, 100 से करो 11, 9 ज़ा 99, फिर 1 बचा, पॉइंट तो लग चुका है। अब आप जीरो लगा सकते हो 2 बार, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करना है ना उसमें एक साथ 2 जीरो नहीं लगाने। फिर दोबारा 11 9 से 99, तो ये रिपीट होता जाएगा ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया 0.099, यानी बस 9 तक लिख दो, क्योंकि जो 9 है वही तो रिपीट होगा ना बार बार, अब 9 9 आता रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी खत्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग हो रहा है, बार बार 9 9 आए जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। थर्ड पार्ट देखो 4/1/8। थर्ड पार्ट, एक सेकेंड, थर्ड पार्ट के लिए मैं ना फर्स्ट पार्ट ही रब कर देती हूँ ताकि थर्ड थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर देखने में प्रॉब्लम होगी। थर्ड पार्ट 4/1/8, इसको पहले आप चेंज कर लो, मिक्सड है ना ये, 8 4 ज़ा और +1, 32 +1 33/8। 33/8 यानी कि 33 अंदर आएगा और 8 बाहर। 8 4 ज़ा 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 10 हो गया। 8 1 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं 0। 8 2 ज़ा 16, 4 बचेगा, पॉइंट लग चुका है 0। 8 5 ज़ा 40, यानी कि खत्म हो गया पूरा, अब आगे रिपीट नहीं हो रहा। आंसर हमारा फिनिश, यानी कि इट इज टर्मिनेटिंग। 4.125 एंड टर्मिनेटिंग। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 4.125, और आंसर में लिखोगे टर्मिनेटिंग है, यानी टी मतलब टर्मिनेटिंग। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं 3/13। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं, समझ आ गया हो तो। फोर्थ पार्ट 3/13 मतलब कि 3 अंदर आएगा, 13 बाहर आएगा। 13 से तो कर नहीं सकते, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट और ये हो गया 0। 13 2 ज़ा 26, 4 बचा, पॉइंट लगा चुके हैं 0। 13 3 ज़ा 39, 1 बचेगा, पॉइंट तो लग चुका है 0 पॉइंट। ठीक है, और एक और लगाना पड़ेगा, 13 7 ज़ा 7 ज़ा करो 91, 7 बचा, पॉइंट लगा चुके हो 0। 13 6 ज़ा करूँ, नहीं 6 ज़ा नहीं 5 ज़ा 65, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लग चुका है 0 लगा दो। 13 3 ज़ा 39, तो ये होता जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हो रहा आपका, यानी कि 0.23753 एंड आंसर इज NTR। NTR बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब क्या करना है फोर्थ और फिफ्थ, तो ऊपर का क्वेश्चन रब कर देते हैं, फोर्थ नहीं फिफ्थ, हमने अभी फोर्थ करा है, ये फोर्थ था। फिफ्थ और सिक्स्थ बच रहा है, ठीक है। फिफ्थ इज 2/11, ये आप खुद कर सकते हो बाकी पार्ट्स, लेकिन स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइज है तो इसलिए मैं आपको पूरा करवा रही हूँ, लेकिन ये आप खुद भी ट्राई करना। 2 अंदर आएगा, 11 बाहर आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड लिख देती हूँ, 1 ये 9 बचा है, पॉइंट लगे, 0 हो चुका है, 8 88, 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, 1 11, फिर 9 बचा, फिर से वही रिपीट होते जा रहा है बार बार, फिर 0, फिर 8, ठीक है। 0.1818 आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 0.1818 रिपीट हो रहा है ना, 1818, तो ये होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस क्वेश्चन के टोटल पार्ट्स हैं आपके 6 ही हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है तो मैं इसके लिए सारा रब कर देती हूँ। 329/400 बचता है हमारा 6th पार्ट। यानी 400 से डिवाइड करना है, 400 और 329 हमारा डिविडेंड है, 400 डिवाइजर 400, 1 400 तो नहीं ले सकते तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लगाओ, 400 2 8,000 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 भी ये तो बड़ा ही हो गया, 400 नहीं, 2 400 तो 800 होगा ना, 5 20 और 1 2 2000 और 6 भी चलेगा, 7 2800, 8 कर लो क्योंकि 9 तो 9 4 3600 बड़ा हो गया ना इससे, तो 8 से कर लो, 8 4 3200, 90 बचा और पॉइंट लगा चुके हो तो एक और 0 ले लो, 400 2 800, 3 तो 1200 बड़ा हो जाएगा तो 2 ले लो, 800, 100 बचा, पॉइंट लग रखा है, एक और 0 लगा दो, 400 4 1600, 3 भी बड़ा, फिर से 2 से लेना पड़ेगा, 800, 200 बचा, पॉइंट लग चुका है, 0 लगाओ, 400 5 2000, 5 4 20 और 2 0, तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। हमने डिविजन पूरा कंप्लीट करा, दैट मीन्स ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि रिपीटिंग है, ठीक है, यही नंबर फिर से रिपीट होता रहेगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग डिविजन करा ना वो हमें सेकंड क्वेश्चन में नहीं करना है, हमें बिना लॉन्ग डिविजन करके बताना है कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। अगर हम ये कर सकते हैं तो कैसे, वो प्रोसेस भी हमें बताना है। इस साइड ही करेंगे। 1/7 क्या दिया है, 0.142857। हमें बताना है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की, 4 की, 5 की और 6/7 की। तो इस 2/7 को मैं 2 × 1/7 भी लिख सकती हूँ ना, वैसे ही मैं इस 3/7 को भी 3 × 1/7, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करूँगी 3 × 1 = 3, 3/7 तो वापस ही वही आएगा ना। तो इन सबको भी मैं 4 × 1/7, इसको भी 5 × 1/7 और इसको भी 6 × 1/7 लिख सकते हैं। क्यों लिखा है हमने ऐसे, क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू है, हमें डिवाइड तो करना नहीं है, तो बिना डिवाइड करे हम कैसे बता सकते हैं। 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को हम 3 से कर देंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो पहले आप 2 से करके देखो, 2 से करो, 2 7 14, 1 कैरी, 2 5 10 +1 11, 1 कैरी, 2 8 16 +1 कैरी 17, 1 कैरी हो गया, 2 2 4 +1 5, 2 4 8, 2 1 2 और 0.0, 0.28 और इसके ऊपर भी आप बार लगा दोगे, ठीक है, जैसे इसके ऊपर बार है, ठीक है। अब 3 से कर लो इसको, 3 7 21, 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 16 17, 1 carry, 3 is a 24, 3 is a 24 plus 1, 25, 2 carry, 3 is a 6, 7, 8, 3, 4 is a 12, 1 carry, 3 1 is a 3, 4 और 0 पॉइंट इसके ऊपर भी बार लगा दिया। 4 से करो, 4 7 is a 28, 2 carry, 4 5 is a 20 और 2 22, फिर से 2 carry, 4 8 is a 32 और 2 34, 3 carry, 4 to जाए 9 10 11, 1 carry, 4 फिर 16 plus 1 17, 1 carry, 4 1 4 plus 1 5। अब इसको मुझे ओरली ही करना पड़ेगा। अब आपकी छोटी क्लास तो यानी बड़ी क्लास होगी तो अब आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन ओरली आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए ओरली करके बता रही हूँ, ऐसे सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ आपको। 5 से करो अब इसको, 5 7 से 35, 3 कैरी, 5 5 से 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 8 से 40, 41 42, 4 कैरी, 5 2 से 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 4 से 20 प्लस 1 21, 2 कैरी और 5 1 से 5 6 7, ये 0 पॉइंट, ठीक है। अब 6 से करो इसको, 6 7 से 42, 4 कैरी, 6 5 से 30 और 4 34, 3 कैरी है, 6 8 से 48, 49 50 51, 5 कैरी है, 6 2 से 12 13 14 15 17, 1 कैरी है, 6 4 से 24 प्लस 1 25, 2 कैरी है, 6 1 6 7 8 और 0.0, ये आंसर 0.857142। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के करके बता दिया है कि हम डेसिमल एक्सपेंशन भी कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा तो अपने दोस्तों की भी हेल्प ज़रूर करें, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।